हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई थिंक बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, जैसे कि आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे थे जो इस बार फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे थे, उनको बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। तो अब जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक है, इसके लिए आप खुद को ब्लेम ना करें। बात करेंगे आज की वीडियो में हम नीट के करेक्शन विंडो के ओपन डेट को लेकर। आप में से बहुत से बच्चे कहते हैं सर, एनटीए ने कहीं ये मेंशन नहीं किया है कि करेक्शन विंडो ओपन करेगा वो या कब करेगा। मैं आपको बता दूं कि आप बहुत अधिक स्ट्रेस ना लें और बहुत अधिक ना सोचें। नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में हर बार एनटीए साइट को वापस से रीओपन करता है और बच्चों को 2 से 3 दिन का टाइम देता है कि आप सभी फॉर्म को करेक्ट करके वापस से फॉर्म को सबमिट करें। और अभी तक जो मुझे अपडेट मिल पा रही है, 8 अप्रैल से करेक्शन विंडो ओपन हो सकती है, क्योंकि अभी लास्ट डेट नहीं, नीट नहीं आई है। आज 5 अप्रैल है, कल 6 अप्रैल लास्ट डेट है नीट का फॉर्म फिल करने के लिए। उसके जो है 24 घंटे के बाद वापस से साइट खुलेगी और आप जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे बच्चे जिनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। 8 तारीख को संभावित है कि एनटीए करेक्शन के लिए साइट को रीओपन करेगी और आप सभी अपना फॉर्म जो है करेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही साइट रीओपन होगी मैं आप सभी को ऑफिशियल अपडेट दे दूंगा, तो आप सभी जो है इसके लिए निश्चिंत रहें। इसके लिए करना कि आपको आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि अगर कोई अपडेट आए मैं आपको बताऊं तो आपको वो डायरेक्ट मिल जाए। आप सभी स्टडी करते रहें। इस वीडियो में तक ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।